नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा नगर पालिक निगम के ढोड़ीपारा में जन समस्या जानने पहुंचे महापौर राजकिशोर प्रसाद, लोगों की सुनी समस्याओं के शीघ्र निराकरण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। महापौर राजकिशोर प्रसाद आमजन की समस्याओं को जानने ढोड़ीपारा बस्ती पहुंचे। उन्होंने बस्ती वासियों से चर्चा की, उनकी समस्याओं को जाना और इसके शीघ्र निराकरण के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कोसाबाड़ी जोन के राजेंद्र प्रसाद नगर कॉलोनी का भी दौरा किया। नगर पालिक निगम कोरबा के वार्ड नंबर 28 राजेंद्र प्रसाद नगर में पहले से निर्मित एक उद्यान, जिसका लोकार्पण अभी अति शीघ्र किया जाना है, उसके निरीक्षण के लिए आए हुए थे। और साथ ही दशहरा मैदान के पीछे बहुत पहले औषधि पौधों का एक गार्डन बना हुआ था, जो बहुत पहले बना था, लेकिन अभी उसका देखरेख काफ़ी दिनों से नहीं किए जाने की वजह से जंगल हो गया है। तो वहाँ के अगल बगल के सभी कॉलोनी वासियों की मांग थी कि इसको भी, गार्डन को भी डेवलप किया जाए और इसको भी गार्डन के रूप में परिणत किया जाए, ताकि इसमें वॉकिंग के लिए भी लोगों का शाम का वॉकिंग, सुबह का वॉकिंग और बच्चों के लिए कुछ फिसल पट्टी और जिम के भी सामग्री स्थापित किए जाने के लिए मांग की गई थी। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को साथ लेकर नगर पालिक निगम कोरबा के वार्ड 15 ढोड़ीपारा बस्ती का दौरा किया, बस्ती वासियों से मुलाकात की, उनकी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। ढोड़ीपारा बस्ती से गुजरने वाली 4-लेन सड़क से बस्ती के अंदर तक सुगम रूप से पहुंचने मार्ग की आवश्यकता व वहां के निवासियों की मांग को देखते हुए उन्होंने अधिकारियों एवं सड़क निर्माण एजेंसी को निर्देश दिए। मुख्य सड़क से बस्ती में पहुंचने के लिए सुगम मार्ग का निर्माण कराकर उनकी इस समस्या का तत्काल निराकरण करें। आज वार्ड क्रमांक 15 में जो 4-लेन रोड बनी है, तो ये ढोड़ीपारा और लगी बस्ती में उस 4-लेन से कनेक्टेड जो बस्ती का रोड है, उसके लिए एक अलग से पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। तो वही बस्ती वालों की मांग थी कि जो अप्रोच रोड है उनके बस्ती का, उसको बनाया जाए, जल्दी से जल्द बनाया जाए। तो उसी के लिए निरीक्षण में आज गए थे, तो हमारे साथ निगम के अधिकारी भी थे, सिटी इंजीनियर, और साथ में जो निर्माण एजेंसी है उनके भी प्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद थे। तो और गांव वाले हमारे उसके साथ पार्षद भी, जो उस वार्ड के पार्षद थे धनसाय साहू, वो भी थे और गांव वाले भी सब थे। तो हमने जो निरीक्षण किया और उनको उचित निर्देश दिया कि 4-लेन से जो बस्ती के अप्रोच पहले था, अभी 4-लेन बनने से थोड़ा लेवल वगैरह भी जो कहीं कम हो गया, कहीं ज़्यादा हो गया, तो बस्ती में जाने के लिए सुगम अप्रोच रोड बनाए, कहीं स्टेप की जरूरत हो वहाँ स्टेप बनाए और जहाँ स्लोप करके वो स्लोप बनाए। और कई कई जगहों पे देखा गया जो साइड बर्म है काफ़ी ऊंचा था, तो उसके किनारे भी मिट्टी को रोकने के लिए छोटा सा रिटेनिंग वाले बनाने के लिए हमने निर्देश दिया है, ताकि मिट्टी बाह करके बस्ती के अंदर घरों में न घुसे। तो इस तरह से उचित निर्देश दिया गया और कंट्रेक्टर के प्रतिनिधि ने भी जल्द से जल्द उस काम को कम्प्लीट करने के लिए संकल्प लिया और आश्वासन उन्होंने दिया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के बरपाली में पटवारी दफ्तर का घेराव करने निकले भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। भाजपा बरपाली मंडल के कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण के साथ पटवारी की कार्यशैली व दुर्व्यवहार के विरोध में सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। घेराव करने पटवारी दफ्तर की ओर जा रहे ग्रामीणों को उर्गा पुलिस ने रोका, तो मौके पर ही जमीन पर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी, पटवारी के तबादले की मांग की। भाजपा बरपाली मंडल के महामंत्री मन्नू यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पटवारी की कार्यशैली का जमकर विरोध किया। दर्जन भर से अधिक ग्रामीण भी घेराव में उपस्थित रहे। घेराव करने निकले ग्रामीणों को बीच में ही रोके जाने पर मौके पर ही नारेबाजी शुरू कर दी। ग्रामीणों का कहना था कि राजस्व विभाग के हल्का नंबर 6 बरपाली के पटवारी नंदलाल साहू काम लेकर पहुंचे ग्रामीणों से दुर्व्यवहार करते हैं। कई भूविस्थापितों की अक्षमता की वजह से प्रक्रिया पूरी कराने के बाद भी नामांतरण पर्ची नहीं सौंपी गई। इस पटवारी का कहना है कि पर्ची गलत हाथों में देने से भूस्वामी शोषण का शिकार हो सकते हैं, वे नियमानुसार ही काम कर रहे हैं।
प्रदर्शन के बाद नायब तहसीलदार रविशंकर राठौर व थाना प्रभारी विजय चेलक को ज्ञापन सौंपा। नायब तहसीलदार ने कहा कि शिकायत की जांच की जाएगी। आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। धरना प्रदर्शन की सूचना कल दी गई थी प्रशासन कार्यालय में। आज मन्नू यादव के द्वारा यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया था हल्का पटवारी को अन्यत्र ट्रांसफर करने के संदर्भ में। उनका ज्ञापन मुझे प्राप्त हो चुका है। ज्ञापन पर विचार करने के लिए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अब इसमें टीम के द्वारा मैं जाँच करा लेता हूँ पहले, उसके बाद इस स्थिति में इसकी साक्षात्कार करती हूँ। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रमेश के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के कटघोरा वनमंडल में दर्जनों गांव हाथियों के चिंगार से थर्रा रहे हैं। शाम ढलते ही हाथी गांव में घुसकर मकान को तोड़ने के साथ फसल को चौपट कर रहे हैं। हालात यह है कि ग्रामीणों को जान बचाने कच्चे मकानों की छत पर रतजगा करना पड़ रहा है। अंधेरा होते ही ग्रामीण ढूंढ रहे पक्का मकान, सड़क पर गुजर रही है रात। फसल बचाने स्वयं लगा रहे पावर फेंसिंग। कटघोरा वनमंडल के केंदई और पसान रेंज में 35 हाथी कर रहे उत्पात। गांव के लोगों की बदल गई दिनचर्या, 15,000 से अधिक ग्रामीण प्रभावित। हुल्ला पार्टी के साथ ग्रामीण भी हाथियों को खदेड़ने में जुटे, फिर भी रोज तोड़ रहे हैं 4 से 5 मकान। कटघोरा वनमंडल के केंदई परिक्षेत्र के 12 से अधिक गांव में गजराज वाहन का सायरन बजते ही लोग घरों से बाहर निकल आते हैं। उन्हें यह संकेत मिल जाता है कि हाथी अब गांव के करीब आ गए हैं, सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ेगा। ग्राम पंचायत घूचापुर के आश्रित गांव लालपुर में हाथी रोज पहुंच रहे हैं। इसकी वजह से ग्रामीणों को रात सड़क पर गुजारनी पड़ रही है। शाम होते ही अधिकांश गांव के लोग पक्के मकान में चले जाते हैं ताकि जान बच सके। यही नहीं, ग्रामीण धान की फसल को बचाने के लिए स्वयं ही पावर फेंसिंग कर रहे हैं, साथ ही वन अमले के साथ हाथियों को खदेड़ने में भी जुटे हैं। इस वर्ष हाथियों ने पहुंचाया नुकसान के आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक 60 से अधिक मकानों को तोड़ा, 250 एकड़ के फसल को चौपट किया, एक ग्रामीण को कुचल कर मार डाला और एक मकान को 3 बार तोड़ा। हाथियों के लगातार उत्पात से ग्रामीणों की जान खतरे में है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरण साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के मिनीमाता बांगो बांध में संचालित हाइड्रल पावर प्लांट के उपकरण के खराब होने की आशंका। हाइड्रल पावर प्लांट की यूनिट को पानी से बचाने तिरपाल का लिया जा रहा सहारा। छत्तीसगढ़ जनरेशन कंपनी के बांगो हाइड्रल प्लांट की पहली यूनिट को पानी से बचाने के लिए तिरपाल और प्लास्टिक का सहारा लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसके ऊपर शीट टूट गई है, इसमें से बारिश का पानी सीधे यूनिट के ऊपर के हिस्से में टपक रहा है। इससे उपकरण के खराब होने की आशंका थी। इसे देखते हुए यहां इस तरह यूनिट के ऊपर को प्लास्टिक तिरपाल से ढका है। एक अधिकारी ने बताया कि यूनिट की सुरक्षा के लिहाज से ऐसा किया गया है। प्लांटों के उपकरणों को सुरक्षित रखने, प्रबंधन, मेंटेनेंस और अन्य कार्यों के लिए लाखों खर्च करती है। इसके बाद भी इस तरह की स्थिति कई सवाल खड़े कर रही है। बांगो हाइड्रल प्लांट में 40-40 मेगावाट की 3 यूनिट है। प्रबंधन इन तीनों यूनिटों से 120 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहा है। मिनीमाता बांगो बांध का जलस्तर को हाइड्रल पावर प्लांट 70 घंटे चलाकर कंट्रोल किया जा रहा है। यही वजह है गेट खोलने की नौबत नहीं आई है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, बीजापुर टूरिस्ट प्लेसेस इन अदर कंट्री एंड 3-star to 5-star होटल फैसिलिटीज, गुड मेंबरशिप पैकेज, हनीमून पैकेज, हॉलीडे पैकेज, इंडिया एंड इंटरनेशनल वीजा सर्विसेज, पासपोर्ट सर्विसेज। कॉन्टेक्ट अस अनुप शुक्ला 9554967885। विजिट अवर ऑफिस, शॉप नंबर FF3 FF4, फर्स्ट फ्लोर, सिटी सेंटर मॉल, पावर हाउस रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज,
छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट, नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में। दर्री जमनी पाली जेलगांव, CSB पावर सिटी पुष्पल्लव साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 7869222258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लिंचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15-25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT is the new MPEG 4-box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4-box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818184018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4-box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4-box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रूपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रूपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। संपर्क करें फिम सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ठेकेदार ने खुद पर मिट्टी तेल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। वन विभाग के ठीक सामने कटघोरा थाना होने की वजह से पुलिस ने समय रहते मौके पर पहुंचकर ठेकेदार को आत्महत्या करने से रोककर बचाई जान। दरअसल ठेकेदार अभय गर्ग ने कटघोरा वन मंडल क्षेत्र में वर्ष 2019 में टेंडर के माध्यम से कार्य किया था, लेकिन वन विभाग द्वारा आज तक बिल का भुगतान नहीं किया गया। लंबित बिल भुगतान को लेकर परेशान ठेकेदार अभय गर्ग ने खुदकुशी की कोशिश कटघोरा वन मंडल कार्यालय के सामने की। आनन फानन में कटघोरा पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया। बताया जा रहा है कि ठेकेदार अभय गर्ग ने वर्ष 2019 में काम किया था, जिसका लाखों का बिल वन विभाग में बकाया था। अभी तक कई चक्कर काटने के बाद भी बिल भुगतान नहीं हुआ है। ठेकेदार ने बताया कि 2019 में जटगा रेंज में स्टाव डैम का निर्माण कार्य कराया था, जिसका लगभग 62 लाख रुपए भुगतान लंबित है। पिछले 2.5 साल से वन विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। मैंने 2019 में कटघोरा डिवीजन के अंतर्गत जड़गा रेंज में ग्राम केसलपुर में एक तालाब निर्माण एवं सोढ़ी नाला पार्ट 2 में
स्टाफ डैम निर्माण के लिए सामग्री और बाकी सब सामान उपलब्ध कराया था, जिसका भुगतान मुझे आज तक प्राप्त नहीं हुआ। वहाँ के लेबरों को मैंने नगद भुगतान उस समय किया था कि बाद में भुगतान मिलने पर मेरे को वापस कर दिया जाएगा, और 2.5 साल बीतने के बाद भी मेरे को आज तक कोई भुगतान वापस नहीं मिला है। ना मेरे सामग्री का पेमेंट मुझे मिला है, ना मेरे द्वारा किराए में जो सामान दिए गए थे उनका पेमेंट मिला है। और लगातार रेंजर के पास संपर्क करने में हमारे द्वारा डिवीजन में बिल जमा किया गया है बोलते हैं, यहाँ डिवीजन ऑफिस में आने पर रेंजर के पास बिल है, बस यही चक्कर हमको 2.5 साल से लगातार लगाया जा रहा है। आज अचानक सुबह, मतलब 3 दिन पहले भी मैंने आवेदन दिया था डिवीजन ऑफिस में कि मेरा भुगतान तत्काल किया जाए, अन्यथा मेरे द्वारा कुछ अप्रिय कदम उठाया जाएगा। आज सुबह DFO मैडम से मिलने पर DFO मैडम ने मुझे बताया कि केसलपुर तालाब का हमने भुगतान कर दिया है और स्टाफ डैम निर्माण का भी भुगतान लगभग हो गया है, थोड़ा बहुत कुछ बाकी है। और रेंजर साहब से पता करने पर उनके द्वारा फिर वही चीज़ कहा गया कि थोड़ा बहुत मजदूरी भुगतान मिला है हमें, उसके अलावा कोई भुगतान नहीं मिला। तो उन्हीं सब बातों के कारण अब हम कितना दिन सह सकते हैं, 60-62 लाख रुपए का हम काम करके, इतने बड़े आदमी भी नहीं है कि यहाँ घूमते रहें, और 2.5 साल हम सह लिए, उससे ज़्यादा हमारी औकात नहीं सहने की। तो उसी सब के चक्कर में मैंने अब ये कदम उठाने का सोच लिया है। अभी भी DFO मैडम का वही कहना है कि बिल रेंजर प्रस्तुत करेंगे, हम पेमेंट करेंगे। रेंजर का आज भी वही कहना है कि हमने बिल यहाँ डिवीजन ऑफिस में जमा कर दिया है, दोबारा से फिर आप लोग बोलेंगे तो फिर से दोबारा बिल बनाएंगे। अब क्या मालूम ये प्रक्रिया कितना दिन तक चलाते रहेंगे लोग, क्या मेरे जैसे यहाँ कितने लोग हैं ठेकेदार, ऐसा नहीं मैं कोई अकेला हूँ, मैंने तो आज एक कदम उठा लिया, बाकी ठेकेदार सब कर भी नहीं पा रहे हैं, वो लोग सक्षम है इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, मगर मेरे पास नहीं है इतना पैसा कि हम लोग यहाँ इनको खिला सकें। और मैडम का तो जो हिसाब से बात लग रहा था, मेरे को लग रहा था कि पेमेंट हो गया, पैसा भी ये लोग गोल कर चुके हैं, मगर अभी ये थोड़ा बहुत लगता है कि बाकी होगा, उम्मीद कि भुगतान हो जाए। किस तरह का आश्वासन आपको दिया गया? अभी आश्वासन तो क्या है, सब तीन रेंजर बैठे थे, DFO मैडम थी, हमारे भाई, मैं स्वयं था। अब मैडम तो बोली है सोमवार तक बिल प्रस्तुत करें, सोमवार मंगलवार तक इनका पेमेंट तत्काल कराएंगे। अब देखते हैं इनका अगले हफ्ते पता चलेगा क्या होता है। अगर पेमेंट नहीं होता फिर क्या करेंगे? तब तो बिना बताए आज यहाँ ये करने आया था, उस टाइम कहीं भी अज्ञात जगह में बिना बताए करूँगा उस चीज़ को, क्या करेंगे ऐसा जी के हम लोग कि रोज के रोज पैसा के अपने पैसा के लिए इनके पास भीख टाइप मांगना पड़े हमको। पैसा यहाँ से गोलमोल हो गया ऐसा लग रहा है क्या आपको? डिवीजन तो पूरा ऐसा ही है यहाँ पर, कढ़ोरा फॉरेस्ट मतलब एक ठो चोर बाजार है पूरे यहाँ लोगों का जो मेहनत कर रहे हैं। मैं तो चलो एक ठो ठेकेदार टाइप से हूँ, यहाँ लेबर लोग रोज चक्कर मार रहे हैं। कटघोरा वन मंडल की DFO शमा फारूकी ने ठेकेदार का लंबित भुगतान सोमवार तक रेंजर को बिल प्रस्तुत करने कहा। DFO शमा फारूकी ने बताया कि बिल भुगतान के मामले में संबंधित रेंज के रेंजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, अगर भुगतान लंबित है तो जल्द ही बिल विभाग में जमा करने निर्देश दिए हैं ताकि मामले का निराकरण हो सके। संबंधित व्यक्ति के द्वारा मुझे बताया गया कि जो तत्कालीन DFO DD संत के कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा यहाँ पर कुछ कार्य किया गया था परिक्षेत्र जडगा में, जिसका भुगतान उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में उनके द्वारा मुझे सूचना दी गई, जिसके संबंध में मेरे द्वारा परिक्षेत्र अधिकारी से पूछताछ की गई, तो उनके कार्य का कुछ भुगतान तो किया जा चुका है। वनमंडल में जितने प्रमाणक प्राप्त हुए थे परिक्षेत्र से, उन सबका चेक काट दिया गया है और परिक्षेत्र अधिकारी को दे दिया गया है, और जो वाउचर नहीं प्राप्त हुए उसके संबंध में परिषद अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि आप 4 दिवस के भीतर सारे, यदि इनके द्वारा कार्य किया गया है तो तत्कालीन परिषद अधिकारी से चर्चा करते हुए, संबंधित बीट गार्ड और डिप्टी रेंजर से चर्चा करते हुए उनका प्रमाणक बनाकर वन मंडल कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि इस समस्या का निराकरण किया जा सके। आज मेरे पास ये आए थे जिसकी हमारा भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, तो मेरे द्वारा उनको बताया गया कि आपका इतने इतने राशि का भुगतान किया जा चुका है परिक्षेत्र में। नहीं, रेंजर के द्वारा जानकारी नहीं दी गई थी, बल्कि मेरे द्वारा हर मीटिंग में रेंजर को यही कहा गया है कि पूर्व में भी इस प्रकार की मुझे मतलब शिकायतें यहाँ जब से मैं हूँ प्राप्त हो रही है। DD के संत के समय के कार्यकाल का भुगतान पेंडिंग है, जबकि उस समय मैं यहाँ पदस्थ भी नहीं थी, तो मुझे यह जानकारी नहीं कि इसके द्वारा कौन सा कार्य कराया गया है। इस संबंध में ज्यादा अच्छे से तत्कालीन परिषद अधिकारी भीड़गाड़ डिप्टी रेंजर बता सकते हैं। तो मेरे द्वारा परिषद अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि यदि उनके द्वारा कोई कार्य किया गया है तो आप प्रमाणक बनाकर यहाँ शीघ्रता प्रस्तुत करें ताकि इस समस्या का निराकरण हो सके। कौन से काम बिना टेंडर के हो रहे हैं? हर काम का टेंडर होता है।
मटेरियल का सारे जो है मटेरियल के टेंडर किए जाते हैं, बीच में वर्क टेंडर भी जारी किए गए थे और वर्क टेंडर में जिन लोगों ने एग्रीमेंट किया है वो लोग काम करेंगे और जो लोग वर्क टेंडर मिलने के बाद भी एग्रीमेंट जिनके द्वारा नहीं किया गया तो उनका कार्य को निरस्त किया जा चुका है, उक्त कार्य को विभागीय ही किया जाएगा जिसके लिए मटेरियल का टेंडर हमारे द्वारा किया जा चुका है। यदि उनके द्वारा कार्य किया गया तो तत्कालीन परिषद अधिकारी बीड गार्ड और डिप्टी रेंजर से पूछताछ करते हुए एमबी बुक के आधार पर उनके प्रमाणक को बनाने हेतु संबंधित परिषद अधिकारी को निर्देशित किया गया। और मैम अगर काम इनके द्वारा किया गया भुगतान में अगर विभाग की तरफ से रेट हुई तो उसमें विभागीय जो भी जिम्मेदार अधिकारी है परिषद अधिकारी को मेरे द्वारा शो कॉज नोटिस जारी किया जा रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनन साहू की रिपोर्ट। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 11 सितंबर 2021 को कोरबा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत न्यायालय में लंबित दीवानी, फौजदारी क्लेम, परिवार, श्रम, भू अर्जन के मामले व विद्युत, जल, राजस्व और बैंक की बकाया वसूली आदि मामलों का निराकरण किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला एवं तहसील स्तर के सभी न्यायालयों में किया जाएगा। जिले के पक्षकार जो लंबित मामलों का निराकरण कराना चाहते हैं, वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा व तालुका विधिक सेवा समिति कटघोरा, करकतला और पाली से संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार आगामी लोक अदालत 11 सितंबर 2021 को आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोरबा में भी जिला न्यायालय परिसर में लोक अदालत का कार्यवाही पूर्ण किया जाएगा, जिसमें राजीनामा योग्य प्रकरणों के साथ साथ चेक अनादरण से संबंधित मामलों और ऐसे दांडिक प्रकरण जिनमें आपस में राजीनामा किया जा सकता है, राजीनामा योग्य व्यवहार वादों का और मध्यस्थता प्रकरणों का भी निराकरण किया जाएगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा लोक निर्माण विभाग के अनुविभागीय अधिकारी के खिलाफ वाहन चालक छोटू लाल डोमन ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है, जिसकी लिखित शिकायत आजाक थाना में की है। लोक निर्माण विभाग के उपसंभाग अनुविभागीय अधिकारी शैलेश कुमार स्वर्णकार पर चालक छोटू ने आरोप लगाया है कि उसे अधिकारी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। 6 मार्च 2021 को वाहन चालक के पद से हटा दिया गया है। मामले की जांच अजाक पुलिस ने शुरू कर दी है। द्वारा मुझे काम से निकाल दिया गया और 6 महीने का वेतन नहीं दिया, जिसकी शिकायत मैंने अपने उच्च अधिकारियों को भी की, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। मैं आज आजाद थाना रामपुर में किया। मैं चाहता हूं कि इनके ऊपर जो मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा के मेरे खिलाफ शिकायत की, सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने से उनकी मानसिकता प्रताड़ित है। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, वीजा फॉर टूरिस्ट प्लेसेस इन अदर कंट्री एंड 3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9549-67885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, सिटी सेंटर मॉल, पावर हाउस रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। एमएक्सटी इज द न्यू एमपीईजी फोर बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। एनएक्सटी एमपीईजी फोर बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 एनएक्सटी लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही एनएक्सटी डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट, नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में। दर्रे जमनी पाली जेलगांव, CS बेस्ड पावर सिटी पुष्पल्लभ साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 9177
7826922258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लिंचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15-25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में पावर हाउस रोड कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818184018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। ₹1250 का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र ₹500 में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। संपर्क करें फिम सैटेलाइट एंड केबल TV, मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा के ACCL कुसमुंडा कॉलोनी में पानी सप्लाई के लिए बिछाई गई पाइपलाइन को तोड़कर चुराने के मामले में पुलिस ने सवारी ऑटो सहित चालक को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से 230 किलो कबाड़ जब्त किया है। कोरबा से कुसमुंडा जाने वाले मार्ग पर वैशाली नगर के आगे निजी कॉलेज के पास पाइपलाइन शिफ्टिंग के दौरान गलती से चालू लाइन की पाइप को एक्सीवेटर ऑपरेटर ने उखाड़ दिया। इसके बाद पाइपलाइन को तोड़कर चोरों ने पार कर दिया। 700 मीटर पाइप इसी तरह पार होने से ACCL की कुसमुंडा कॉलोनी में पानी सप्लाई ठप हो गई। इसकी जानकारी पुलिस को मिली। सिटी कोतवाली पुलिस ने बताया मुखबिर से सवारी ऑटो के संबंध में सूचना मिली। इसमें पाइपलाइन का कबाड़ सर्वमंगला चौकी के बरमपुर से खपाने शहर की ओर रवाना होना बताया गया। सूचना के आधार पर राधाखार बाईपास पर पुलिस ने घेराबंदी कर सवारी ऑटो को पकड़ा। तलाशी लेने पर उसमें करीब 230 किलो कबाड़ मिला। बरमपुर उड़िया बस्ती निवासी ऑटो चालक 28 वर्षीय धीरज चौधरी ने पूछताछ करने पर उसने पाइपलाइन तोड़कर उक्त कबाड़ को इकट्ठा करके और खपाने के लिए ले जाना स्वीकार किया। मामले में पुलिस ने कबाड़ लदा ऑटो जब्त करते हुए चोरी का केस दर्ज कर आरोपी धीरज को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। नमस्कार।